मैं चिंता करूंगा, कोई भी बात हो मुझे बताना है, अच्छे से पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं। वो कमलनाथ के गढ़ में कई बार जाने के बाद अब अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। अपने दो दिवसीय प्रवास पर शहडोल के बुढ़ार पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज ने पत्नी साधना के साथ लाडली बहना के घर पर दोपहर का भोजन किया। उन्होंने कहा, जब तक जिंदा हूँ अपनी लाडली बहनों का साथ दूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार समेत शहडोल संभाग के दौरे पर हैं। अनूपपुर जिले के अमरकंटक में मां नर्मदा के दर्शन कर शहडोल के लिए निकले शिवराज सिंह चौहान का लोगों ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया। मैं आया हूं, बचपन से नर्मदा मैया की गोद में पला हूं, बड़ा हुआ हूं और मां की कृपा से ही लोक सेवा के काम किए हैं। मैं विधानसभा चुनाव के पहले भी आया था और मां के चरणों में प्रार्थना की थी कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के कामों को आगे बढ़ाने के लिए और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को ठीक ढंग से क्रियान्वित करने के लिए मां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो मैंने उस समय संकल्प किया था कि मैं दोबारा फिर माँ के चरणों में प्रणाम करने आऊँगा। आज माँ की पूजा अर्चना की, चरणों में प्रणाम किया। कोयलांचल धनपुरी से होकर बुढ़ार पहुंचे शिवराज लाडली बहना शालिनी सराबगी के घर पर पत्नी साधना के साथ दोपहर का भोजन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद वो उमरिया जिले के लिए रवाना हुए। प्रदेश के सेवक के नाते जनता से मेरे रिश्ते भाई के और मामा के हैं। भाई और मामा के रिश्ते परमानेंट होते हैं, उनका पदों से कोई संबंध नहीं होता। तो मैं अपने बहनों भाइयों की, भांजे भांजियों की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है और उस परिवार की माँ है नर्मदा मैया। हमारा पूरा परिवार सुखी रहे, आगे बढ़ता रहे। मैं भी अपने पूरे परिवार की, पूरे प्रदेश की जनता की, परिवार के सेवक के नाते सेवा करता रहूंगा, यही कृपा माँ की बनी रहे। शिवराज की लोकप्रियता आज भी लोगों में बरकरार है। यही कारण है कि उन्हें देखने और मिलने लोग दूर दूर से आ गए। यहाँ पर उन्होंने फिर कहा कि जब तक जिंदा रहूंगा अपनी लाडली बहनों का साथ दूंगा। स्वागत से अभिभूत शिवराज सिंह चौहान भावुक नजर आए। यहाँ पर कुछ लाडली बहना भी शिवराज सिंह चौहान को देखकर काफी भावुक हो गईं।